हेलो एवरीबॉडी, मैं सुज्वला मंडल, आपकी कक्षा आपके घर में आप सबों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्थानीय मान, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्लेस वैल्यू। तो बच्चों, आप लोगों को मैंने पिछली कक्षा में बताया था संख्याओं का घर, जिसमें हमने संख्याओं का घर का नाम रख के और उसके बारे में जाना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ऐसे करके हम लोगों ने संख्याओं का घर जाना। आज हम उन संख्याओं का घर फिर से इस्तेमाल करके स्थानीय मान निकालेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, ये मैंने बॉक्स बनाया है और लिख दिया है इन घरों के ऊपर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ओके, अब हम कोई संख्या लेते हैं। मान लीजिए कि हम कोई संख्या लेते हैं, 5, 2, 3, 4। ओके, अब हम इन संख्याओं को सबसे पहले क्या करेंगे समझने के लिए, इसे हम यहाँ बिठाएंगे, 4, 3, 2, 5। अब हम इसे पढ़ेंगे, 5,234। ये तो हमने आसानी से पढ़ लिया। अब हमें स्थानीय मान इसका निकालना है। तो स्थानीय मान में होता क्या है, किसी संख्या में किसी भी अंक का अपने जगह पे उसका मान क्या है, जिस जगह पर है उस जगह उसका वैल्यू क्या है। तो हम जानते हैं जैसे कि ये 4 है, ठीक है, उसे हम कैसे निकालेंगे इसका स्थानीय मान, 4। आप जान रहे हैं कि ये इकाई के स्थान पे है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 को गुना करेंगे 1 से, अर्थात कितना हो जाएगा, 4। अब हम इसका स्थानीय मान निकालेंगे, तो 3 को गुना करेंगे कितना से, दहाई से, दहाई अर्थात कितना हो जाता है, 10। कितना हो जाएगा ये, 30। ओके, अब हमें 2 का स्थानीय मान निकालना है, तो 2 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को किससे गुना करेंगे, सैकड़े से गुना करेंगे, सैकड़ा, क्योंकि ये सैकड़े के जगह पे है, तो सैकड़ा में क्या होता है, 100 से गुना करना पड़ता है, तो कितना हो जाएगा इसका, 200। ये हो गया इसका 2 का स्थानीय मान, अर्थात ये 200 के सैकड़े के जगह पे, 200 के जगह पे है, ये सैकड़े के जगह पे होने से इसका मान हो गया 200। अब इसका निकालेंगे 5 का, 5 का देखिए, 5 गुना कौन से जगह पे है, हजार की जगह पे, तो हम इसको 1,000 से गुना करेंगे। गुना करने के बाद इसका क्या मान हो जाएगा, 5,000। क्योंकि हम पढ़ते समय कैसे पढ़ते हैं, 5,000 अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5,234। इसी तरीके से हमें और भी लंबी संख्या मिल सकती है उसका स्थानीय मान निकालने के लिए, जैसे कि मान लीजिए ये तो था 5,234, इसी में अगर और एक अंक रहता, मान लीजिए 4। ओके, तो इसका इसे हम पढ़ते कैसे, दोनों मिला के 45,234 दोनों मिला के पढ़ना पड़ता, वैसे ही इसका स्थानीय मान कैसे निकल जाता, इसका स्थानीय मान कैसे निकलेगा, इसका स्थानीय मान निकलेगा, इसको 4 को गुना करेंगे इससे, 10,000 से, 10,000 से हमें गुना करना पड़ेगा इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 40,000, 40,000 हो जाएगा ये। मान लीजिए हमने कोई अंक लिया है, जैसे कि
इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार इस तरह से होता है। तो अब हमें बार बार जो है ये बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ये याद कर रखा है। तो जब भी हमें पूछा जाए कि इसमें सैकड़ा कौन सा है तो हम बता सकते हैं सैकड़ा जो है पांच की जगह पे सैकड़ा है, दहाई कौन सा है तीन के जगह पे दहाई है, हजार कहाँ पे है दो के जगह पे हजार है, दस हजार कहाँ पे है सात के जगह पे है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कोई मान लीजिए अंक दिया जाएगा, ओके जैसे देखिए कोई भी संख्या दी जाएगी, उस संख्या में आपको बोला जाएगा कि इस संख्या में पांच का स्थानीय मान क्या है। तो हमें इसे घर में बिठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ये याद हो चुका है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार ये याद हो चुका है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसे देखेंगे सबसे पहले कि ये पांच कौन से जगह पे है, अर्थात इकाई दहाई सैकड़ा हजार ये हजार की जगह पे है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले पांच को हजार से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा पांच हजार। अब बोला जाएगा कि सात का स्थानीय मान निकालिए, इस संख्या में सात का स्थानीय मान निकालिए। तो उस समय हम क्या करेंगे, सात कौन से जगह पे है सैकड़े की जगह पे है, तो सात को हम सैकड़े से गुना करेंगे अर्थात सौ से गुना करेंगे तो कितना निकल जाएगा ये 700, इसका स्थानीय मान 700 निकलेगा। तो बच्चों उम्मीद है स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो हमें मैसेज करिए, कमेंट्स करिए और कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।